दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में मुख्यमंत्री केजरीवाल पर स्याही फेंकने वाली लड़की पहुंची रोहिणी अदालत। लड़की ने खुद को बताया आम आदमी सेना का पंजाब प्रभारी और डिवन की आड़ में सीएनजी घोटाले का आरोप। केजरीवाल पर स्याही फेंकने से फिर गरमाई दिल्ली की राजनीति। आम आदमी पार्टी ने पुलिस और बीजेपी पर उठाए सवाल। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने गृह मंत्री से की मुलाकात। सूत्रों के अनुसार स्याही फेंकने को लेकर सिसोदिया के आरोप को लेकर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल सरकार के आरोप को किया खारिज। कहा छत्रसाल स्टेडियम में 250 पुलिस बल थे तैनात। मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास खुद भी है जेड प्लस सुरक्षा। केंद्र तक गरमाया स्याही कांड। गृह राज्य मंत्री ने कहा मामले की होगी जांच, लेकिन अनर्गल आरोप लगाना बंद करें आम आदमी पार्टी। हैदराबाद में हॉस्टल से निकाले गए दलित छात्र की आत्महत्या के बाद बंद का ऐलान। छात्रों का विरोध प्रदर्शन, 8 गिरफ्तार। अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष था रोहित वेमुला, साइंस टेक्नोलॉजी में कर रहा था पीएचडी। हॉस्टल के कमरे में मिला शव। अगस्त 2015 में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हमले का लगाया था आरोप। यूनिवर्सिटी की जांच में गलत पाए गए थे आरोप। केंद्रीय मंत्री दत्तात्रेय की स्मृति ईरानी को की लिखी चिट्ठी के बाद पलटा फैसला। 21 दिसंबर को 5 छात्र बर्खास्त किए गए थे। भारत पाकिस्तान सीमा पर आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए गृह मंत्रालय की नई पहल। 40 जगहों पर लेजर की दीवार से निगरानी। पठानकोट हमले पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। गुरदासपुर सेक्टर के डीआईजी एनके मिश्रा, कमांडेंट एसएस दबास का तबादला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिक्किम का दौरा कर रहे हैं। दौरे से कुछ घंटे पहले ही NH-10 पर लैंडस्लाइड हुई। प्रधानमंत्री बागडोगरा से सड़क के रास्ते ही जाने वाले थे सिक्किम। पीएम मोदी ने किया ट्वीट। उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए हर मुमकिन कोशिश। गुवाहाटी में युवाओं की रैली, कोकराझार में जनसभा। गृहमंत्री राजनाथ सिंह 21 जनवरी को करेंगे पश्चिम बंगाल के 24 परगना का दौरा। मालदा घटना के बाद गृहमंत्री का पहला दौरा। मानहानि के मामले में आज चेन्नई की अदालत में डीएमके प्रमुख करुणानिधि की पेशी। 10 मार्च तक स्थगित हुई सुनवाई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता ने दायर किया था मुकदमा। अरुणाचल में छिड़े सियासी घमासान के बीच दल बदल मसले पर संविधान पीठ आज सुना सकती है फैसला। कांग्रेस के 14 विधायकों ने छोड़ी थी पार्टी। गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह के लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए एनआईए आज कोर्ट में करेगी अपील। सलविंदर लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए है राजी। दिल्ली हाईकोर्ट आज नर्सरी दाखिला केस में करेगा सुनवाई। मैनेजमेंट कोटा खत्म करने का मामला। दिल्ली सरकार ने खत्म किया है मैनेजमेंट कोटा। दिल्ली सरकार आज ऑड इवन फॉर्मूले पर अहम बैठक करेगी। आगे फॉर्मूला लागू हो या नहीं इस बैठक के बाद होगा फैसला। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज दिल्ली में जनरल हनुत सिंह मेमोरियल का करेंगे उद्घाटन। मानेकशॉ सेंटर में देंगे व्याख्यान। बिजली कंपनियों के सीएजी ऑडिट के मामले की भी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में है केस। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सितारों से की तंबाकू का विज्ञापन छोड़ने की अपील। अजय देवगन, शाहरुख खान, सैफ अली खान, अरबाज खान, गोविंदा सैनी लियानी को लिखी चिट्ठी। लुधियाना में आरएसएस की शाखा पर फायरिंग, अज्ञात लोगों पर आरोप, वजह का पता नहीं। नए विवाद में फंसे बाबा राम रहीम। ऑल इंडिया हिंदू स्टूडेंट्स ने धार्मिक भावनाएं भड़काने का लगाया आरोप। भगवान विष्णु की तरह पहने थे कपड़े। यूपी के प्रतापगढ़ में बेटे पर पिता की हत्या का आरोप। शराब पीकर मां को पीटने की बात से था गुस्सा। नाले में मिला
शव। राजस्थान के भरतपुर में डॉक्टर के क्लिनिक में 70 साल की मां को छोड़कर फरार हुआ बेटा, डॉक्टर ने अपने घर भेजा। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर बहुमंजिला कमर्शियल इमारत में लगी आग, बिल्डिंग में टर्किश एयरलाइंस का हेड ऑफिस और लिफ्ट के और फिएट के टॉरेंट मोटर्स का शोरूम। मुंबई के क्लब में बाउंसरों पर गुंडागर्दी का आरोप, एक शख्स के साथ मारपीट, क्लब मैनेजर पर बहन के साथ बदसलूकी का आरोप। यूपी के करौली में आपसी रंजिश को लेकर पड़ोसियों में फायरिंग, 3 महिलाओं सहित 6 लोग घायल, जमीन को लेकर था विवाद। बिहार के मुंगेर में गंगा किनारे वाली जमीन में दरार, 40 से 50 फीट धस रही है जमीन, गांव वालों में दहशत। उत्तर भारत के कई इलाकों में कोहरे की चादर, लुधियाना में धुंध की वजह से ट्रैफिक सुस्त। मुंबई में अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर एक लड़की को थप्पड़ मारने का आरोप, बरसोवा थाने में नवाजुद्दीन के खिलाफ FIR दर्ज। सोसाइटी में पार्किंग को लेकर अभिनेता का हुआ था विवाद, सोसाइटी की महिला चेयरमैन की बेटी से मारपीट का आरोप। दिल्ली के घिटौरनी इलाके में 25 साल के युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। दिल्ली के गीता कॉलोनी में राह चलती महिलाओं से चेन लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़, CCTV की मदद से 4 लुटेरे गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली में ATM से पैसा उड़ाने के आरोपी 2 भाइयों में से एक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, गिरफ्त में आया पंकज यादव, ATM में पैसा भरने वाली SIS कंपनी में करता था काम। दिल्ली के द्वारका में लड़की की हत्या कर SI के खुदकुशी करने का एक वीडियो से जुड़ा तार, मृतक लड़की ने SI पर रेप का आरोप लगाते हुए वीडियो का दिया था हवाला। आगरा में ट्रैफिक पुलिस के सिपाही योगेश यादव पर साथी सिपाही अनुज राणा को गोली मारने का आरोप, घायल अनुज अस्पताल में भर्ती। ग्वालियर में एक बहादुर महिला ने झपट मार को दबोचा, चप्पलों से जमकर की धुनाई, मोबाइल छीनकर भागा था। तो कानपुर में एक हलवाई ने पूर्व पार्षद और उनके समर्थकों पर डाला खौलता तेल, घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, घटना के बाद बरपा हंगामा। चलती ट्रेन में 1.5 साल की बच्ची को छोड़कर फरार हुई महिला, शाहजहांपुर के रोजा स्टेशन पर यात्रियों ने मासूम को GRP को सुपुर्द किया। मुंबई में फिर उठा राष्ट्रगान के अपमान का मामला, मॉडल कशिश खान और भोजपुरी एक्ट्रेस त्रिषा खंडेलवाल पर लगा आरोप, आरोपों के मुताबिक सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजने पर खड़ी नहीं हुई थी कशिश और त्रिषा। मुंबई की महिला कांग्रेस अध्यक्ष शीतल महात्रे ने लगाया आरोप, कशिश और त्रिषा ने आरोपों को किया खारिज, कहा पब्लिसिटी पाना चाहती है शीतल महात्रे। भोपाल में 2 दिवसीय IPS सर्विस मीट का आयोजन, तनाव मुक्त दिखे पुलिस अफसर, किसी ने गाया गाना तो किसी ने किया डाल। केरल के सीएम मोहम्मद चांडी ने ब्लाइंड क्रिकेट T20 एशिया कप का किया उद्घाटन, कोची के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होंगे मैच। जापान सुनामी का नया वीडियो, 2011 में आई इस सुनामी से मची थी भयंकर तबाही। यमन के अदेन में कार बम धमाका, 4 की मौत, कई घायल। नेपाल के बीरगंज में मधेशी आंदोलन से जुड़े मजदूर, 20,000 से ज्यादा लोगों ने नेपाल सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। रोमानिया में भारी बर्फबारी से आफत, ट्रेन रूट और दर्जनों सड़कें जाम। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहली बार खिला फूल, नासा के अंतरिक्ष यात्री ने ट्विटर पर किया खुलासा।
कह रहे हैं क्योंकि 5 घंटे तक चली पीडीपी की मैराथन बैठक तो खत्म हो गई है, लेकिन उस बैठक में क्या फैसला हुआ इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। बैठक खत्म होने के बाद पीडीपी के प्रवक्ता ने कहा है,